सिंपल एंड इजी रेमबो केक। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिंपल एंड रेमबो केक सीखते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने वनीला लादी लिया है एक बड़ा सा, ठीक है। इसे मैं शेप में कट कर लूँगा, आप लोग देखिए। हम लोग स्क्वायर शेप में बना रहे हैं छोटा सा केक, ठीक है। तो आप लोग देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हर हमेशा बताता हूँ मेरे वीडियोस में कि हमारा कटिंग परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आपका केक का अगर ये यानी कि स्पॉन्ज का कटिंग अगर परफेक्ट होगा तो आपका केक का फिलिंग भी अच्छे से होगा और आपका केक का आइसिंग भी अच्छे से होगा और इक्वली आएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। हम लोग ये 6 लेयर्स दे रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं इसको लादी को कैसे फिनिशिंग में कट कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो का स्पीड ज़्यादा है ताकि आपका भी टाइम सेफ हो जाए यहाँ पर, इस वजह से मैं थोड़ा वीडियो का स्पीड ज़्यादा कर रहा था। तो आप लोग देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप, आप लोग को यहाँ पर समझने आ जाएगा, ठीक है। इक्वली कट करना है लेयर्स को, ठीक है। कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा लेयर्स का जो भी केक होता है हमारा, अच्छा फिनिशिंग में आने के लिए इसे कभी भी अच्छे से कटिंग करना चाहिए ना, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अभी देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप, मैं ये लेयरिंग को स्प्रेड कर दूंगा, ठीक है। इक्वली स्प्रेड करूंगा यहाँ पर, देखते जाइए। अभी हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे कलरफुल, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मिल्क मेड जूस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चाहे तो आप अलग अलग लेयर्स को बेक करके रेमबो बना सकते हो, अंदर प्लेन वनीला क्रीम डाल सकते हो। ये फ्लेवर्स डालने से होगा क्या, एक्चुअल में रेमबो का 7 फ्लेवर्स आपको यहाँ पर टेस्ट में आ जाएगा। तो मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। और ये इजी भी हो जाएगा आपको, कहाँ आप लेयर बेक कर लेते रहोगे, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेक्निक बताऊँगा फ्रेंड्स, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसमें वेरी सिंपल एंड टेक्निक में हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे पर्पल, बट मैं यहाँ पर ब्लू यूज़ कर रहा हूँ, वाई आई विल टेल यू नाउ। तो आप लोग देखिए, फर्स्ट मैं यहाँ पर ब्लू अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर थोड़ा सा ब्लूबेरी भी मिक्स किया था मैंने यहाँ पर इसके अंदर। सेकेंड लेयर में मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने सेकेंड लेयर में इसे ऐड किया है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, अभी ये जो बचे सो क्रीम है मेरा ब्लू वाला, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पिंक कलर डाल दूंगा, तो ये कलर हो गया पर्पल। ऑब्वियसली आपको दो कलर में से एक कलर में से मतलब दो कलर बन के आ रहे हैं यहाँ पर इजी वे में। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऐसे ही कलर मिलाते जाएंगे और एक एक कलर हम लोग बचा लेंगे, ठीक है। आपका क्रीम वगैरह भी बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कई सारे टेक्निक्स ऐसे मैं आप लोग को सिखाऊंगा जिससे कि आप लोग कई सारी सेविंग भी कर सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपका टाइम भी सेव कर सकते हो यहाँ पर। तो फर्स्ट लेयर में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पर्पल वाला, यहाँ पर मैं अभी अच्छे से इसे इक्वली फिलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं सेम टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं येलो मिक्स कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने क्रश भी ऐड किया है, ताकि मैंने आप लोग को जैसे बताया था कि इसका टेस्ट भी आना चाहिए रेमबो का, ठीक है। तो पाइनएप्पल क्रश मैंने यहाँ पर ऐड किया है और थोड़ा सा येलो कलर ऐड किया है। अभी ये मैं फिर सेकेंड लेयर में डालूंगा, मीन्स के फोर्थ लेयर में डालूंगा, थर्ड वाले लेयर में नहीं डालूंगा, क्योंकि थर्ड हमारा कलर ग्रीन होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैं फोर्थ वाले लेयर में यहाँ पर इसे येलो क्रीम को मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे, इक्वली स्प्रेड करेंगे, कहीं भी आपको वाइट स्पॉन्ज वगैरह ऐसा नहीं दिखना चाहिए। अच्छे से इक्वली आप इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे, फिर इसके बाद आप जब कटिंग करेंगे तो आपका ब्यूटीफुल सा रेनबो लुक आपका फिलिंग में भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर, सेम वे एक ही क्रीम में आप लोग को दो क्रीम मिक्स हो जा रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं। यहाँ पर इसके फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा सा कीवी क्रश डाल रहा हूँ, यानी कि ठीक है, कीवी मालास, जो कि इजीली अवेलेबल रहेगा हर बेकरी में। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं ये भी अच्छा खाने के लिए टेस्ट होगा। हो सकता है यहाँ पर कंबाइन हो गया है फ्रेंड्स, बट हमारे को ऑलरेडी खाने के लिए बाइट करने के लिए कंबाइन फ्लेवर ही आएगा यहाँ पर, तो नो नीड, आपको इतना वरी करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पाइनएप्पल के साथ आप कीवी भी मिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फिलिंग अच्छे से हम यहाँ पर स्प्रेड करेंगे, कॉर्नर्स को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, अच्छे से फिल करेंगे, ठीक है, इक्वली फिलिंग करेंगे। सो फ्रेंड, नेक्स्ट इज के हमारा ये अभी ऑरेंज फ्लेवर लास्ट है, जो कि फिलिंग में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑरेंज वाला यहाँ पर मैं क्रीम के अंदर थोड़ा सा मैलास भी ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया था फ्लेवर के लिए, ठीक है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद आप लेयर पे भी अच्छे से इसे स्प्रेड कर देंगे।
ये इस बार दो कलर नहीं मिक्स करना है आपको, ठीक है। जो टॉप का आपका लेयर रहेगा वहाँ पर आप रेड यानी कि रेड कलर स्ट्रॉबेरी माला से वगैरह ऐड करके यहाँ पर आप उसे यानी कि जो आपका स्पॉन्ज रहेगा उसको अच्छे से जूस ऑब्जर्व करा सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑरेंज वाला लेयर हमारा अच्छे से फिलिंग हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। कॉर्नर्स में भी आप अच्छे से फिल कीजिए इसे फिलिंग को, ठीक है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप ये पूरा लेयर्स को अच्छे से स्टेप में लगाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर ही होता है गड़बड़ी, मैं क्या ही सारे बच्चों को यहाँ पर भी सिखाता हूँ, वो लोग यही चीज़ में गड़बड़ी करते हैं फ्रेंड्स कि लेयर आगे पीछे हो जाता है। लेयर्स को आप इक्वली रखिए, ठीक है। इक्वली रखने से होगा क्या, केक का आपका सेटिंग भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा आप लोग देख सकते हैं इक्वली सेट हुआ है। और फिर आप यहाँ पर उस टॉप में आपके हैंड की हेल्प से इसे अच्छे से प्रेस करिए, ठीक है। अभी हम लोग जूस ले लेंगे, मिल्क मेड जूस, वही जैसा मैं आपको बता रहा था। इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी मालास यानी कि ऊपर टॉप में रेड कलर डालना है हमको, थोड़ा सा कलर ऐड कर लूँगा जूस के अंदर, ठीक है। अभी हम टॉप में हम लोग इसको अच्छे से जूस स्पॉन्ज को हम लोग मिला देंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा केक का फिलिंग यहाँ पर टोटली रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम इसे अच्छे से डीप फ्रीज में सेट करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये सेट होना अच्छे से चाहिए ताकि आप जब भी कटिंग करेंगे तो आपको अच्छा एक लुक आना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे टॉप जो केक के ऊपर खाली लगेगा, तो ऊपर टॉप के लिए हम लोग एक रेनबो बना लेंगे। इसके लिए थोड़ा सा मैं फर्स्ट क्लाउड कट कर लूँगा ताकि सेफ रहे, मैं एक ही बार में कटिंग हो जाए मेरा, ठीक है। तो ये वाइट वाला शुगर पेस्ट लिया था, इसमें से मैंने क्लाउड बना लिया है। अभी ये वाइट वाले बेस के ऊपर मैं रेनबोस के लाइन बना के शुगर पेस्ट में ही यहाँ पर मैं रेनबो के लाइंस बना के इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए मैं कैसे लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर रेनबो का जो हमारा डिज़ाइन था बन के आ चुका है। ये इक्वली रोल किया है मैंने लेवलर की हेल्प से, आप आपके हैंड की हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी यहाँ पर मतलब छोटा बड़ा होना नहीं चाहिए, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इक्वली आप यहाँ पर रोल करके लगाइए, ठीक है। चाहे तो आप छोटा भी लगा सकते हो और बड़ा भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारा रेनबो वाला बन के रेडी हो चुका है, थोड़ा सा वाटर पेस्ट कर लेंगे अगर ये खुल ना जाए इस वजह से, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्लाउड्स भी ऐड कर देंगे जिससे एक ब्यूटीफुल सा लुक आ जाएगा। और हम इसे थोड़ा सा पलटा करके इसको एक चॉकलेट का स्टिक्स लगा देंगे ताकि ये केक के ऊपर स्टैंडिंग में रहे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम लोग का केक का आइसिंग कर दें वेरी सिंपल एंड ईजी में, ठीक है। यहाँ पर क्रीम ऐसे आप स्प्रेड कर लीजिए, आप चाहे तो नाइफ़ की हेल्प से भी कर सकते हो या फिर आप ऐसा पाइपिंग बैग की हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसे अच्छे से फिनिशिंग ले लेंगे फर्स्ट ऊपर टॉप में, ओके फ्रेंड्स। फिर इसके बाद थोड़ा डिज़ाइन देने के लिए इसका कोम से भी हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे देंगे, जाके एक जिगजैग वैसा डिज़ाइन आने के लिए, ठीक है। सिंपल है, आप कैसा भी रख सकते हो, चाहे प्लेन या फिर ऐसा कुछ डिज़ाइन भी, ठीक है। फिर हम इक्वली लेयर्स को कट करेंगे साइड का लेयर्स, ठीक है। सो आई होप कि फ्रेंड्स ये वाला छोटा सा स्मॉल जो केक का वीडियो था हमारा आप लोग को पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल का भी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।